नीमच शहर में मुस्लिम युवक ने खुद को तलाकशुदा बताकर हिंदू युवती से निकाह किया, बाद में धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने लगा। निकाह के 2 महीने बाद युवती को युवक के शादीशुदा होने का पता चला। जब उसने इस बारे में पूछा तो आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी, 3 बार गर्भपात तक करवाया। युवक की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से मदद मांगी। इसके बाद एसपी से मुलाकात कर पूरी कहानी बयां की। महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शहर के कैंट क्षेत्र में रहने वाली 24 साल की पीड़िता ने बताया कि मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूं। 2018 में मेरी मुलाकात अशरफ पिता इस्माइल खान निवासी बालाजी रोड बघाना से हुई थी। उसने खुद को तलाकशुदा बताया था। 20 जून 2021 को वो मुझे महावीर नगर स्थित एक घर पर ले गया, जहां उसने मुझसे कुछ कागज पर साइन करवाए। इसके बाद बोला अपना निकाह हो गया। 2 महीने बाद मुझे पता चला कि अशरफ की पत्नी उसी के साथ रह रही है, उसका तलाक नहीं हुआ था। गुमराह करके उसने कागज पर साइन करवाए थे। इसके बाद तो अशरफ मेरा धर्म बदलवाने के लिए दबाव डालने लगा। कहता था धर्म तो बदलना ही पड़ेगा। नशे में आकर मारपीट भी करता था, 2-3 बार गर्भपात भी करवाया। धर्म नहीं बदलने पर उसने उसे छोड़ दिया। बिहिप जिलाध्यक्ष सत्यनारायण पाटीदार, मातृशक्ति जिला संयोजिका रेखा वर्मा की मदद से पीड़िता ने केस दर्ज करवाया। विहिप के जिला मंत्री लक्ष्मण राठौर ने कहा कि पीड़िता ने पदाधिकारियों को आकर अपनी परेशानी बताते हुए न्याय दिलाने की मदद की गुहार लगाई है। एसपी सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि युवती शिकायत लेकर आई थी, महिला थाने को कार्यवाही के लिए कहा गया है। महिला थाना प्रभारी अनुराधा गिरवाल का कहना है कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। सद आरोपी के मारपीट करता है और धर्म परिवर्तन के लिए मुझे करता है और मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करके अब मेरा अबॉर्शन भी कराया है 2-3 बार। और उसने बोला है कि अगर मैं धर्म परिवर्तन नहीं करती हूँ तो वो मेरे साथ नहीं रहेगा। तो उसमें उनके वो फॉलो करने के लिए और उस तरह की चीजें बता रही हैं, तो महिला थाना को निर्देशित किया गया है कि इनके जो भी स्टेटमेंट है उसका वीडियो स्टेटमेंट लिया जाए, उसी अनुसार जो भी प्रकरण इसमें बनता है।